एक टास्क हुआ था जिसमें डेविल और एंजल दो ऐसा कार्य हुआ था जिसमें बेबिका अगेंस्ट थी और इस तरफ थी अभिषेक की टीम में मनीषा दीप, तब और एल्विश की एक अलग टीम थी, एल्विश की टीम में बेबिका थी। तब बेबिका ने मनीषा को धक्का मारा था, तब उन्होंने बिग बॉस से भी कहा था। ये कितना अनफेयर हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह के धक्का या फिर हाथ हम नहीं उठा सकते, जो बिग बॉस का रूल है। आपको क्या लगा उस धक्के के बाद, आपको क्या फील था आपके मन में? फील सबसे बड़ा मैंने दुख ये हुआ कि इस बारे में बिग बॉस ने क्यों नहीं हस्तक्षेप किए। जो धक्का एक बार नहीं दिए थे, तीन बार थे, दो तीन बार दिए, हाँ, तो उस विषय में कोई नहीं बोला कि ये गलत है, लेकिन अभिषेक और एल्विश बोला था। आपको नहीं लगा कि तब बिग बॉस को एक कठोर निर्णय लेना चाहिए था बेबिका के अगेंस्ट, या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे नॉमिनेट कर दे, हर हर हफ्ते नॉमिनेट हो? मैं अभी तो बोला आपको कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस को ही एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किए ये तो इतनी बड़ी बात हम बता नहीं सकते। यस, आपको क्या लगता है अब जैसा एल्विश जो फैम बना था, जो एक नाम भी दिया था एल्विश के, एल्विश अभिषेक आशिका और मनीषा, ये जो चार जन का एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी आपको? वो सबका प्रेम, आपस में टोन बाजी करना, ये मिल सबसे बड़ा था कि प्रेम से रह रहा था वो, प्रेम से रहना था। ये लोग की जो तालमेल थी, ऐसा एक ही उम्र के थे चारों, इसलिए अंडरस्टैंडिंग था दोनों सब।